ंग एवीवन आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले जो हमने कल पाई चार्ट पढ़ा था हिस्टोग्राम पढ़ा था और क्या बार ग्राफ पढ़ा था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में ठीक है तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम जानेंगे कि आखिर प्रोबेबिलिटी होती क्या है तो प्रोबेबिलिटी इज अ वे ऑफ मेजरिंग द चांसेस ऑफ एन इवेंट अकरिंग प्रोबेबिलिटी एक ऐसा तरीका होता है जो कि हमें चांसेस के बारे में बताता है कि एक इवेंट कितने बार होगा इन आवर डेली लाइफ विकम एकरोसल स्टेटमेंट सचेज हम अपनी दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में बहुत सारे स्टेटमेंट से आ, को जा देखते हैं जैसे कि मोस्ट फर्स्ट क्या है मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टूडे ऐसी संभावना है ज़्यादातर कि आज वर्षा हो सकती है चांसेस आर हाई दैट प्राइस ऑफ पेट्रोल विल ग्रो अप ऐसे चांसेस भी हैं कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी फिर है आई डाउट दैट ही विल विन द रेस मुझे ऐसी शंका है कि वो रेस जीतेगा फिर आता है द वर्ड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस डाउट एक्सेट्रा शो अनसर्टिनिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस और डाउट ये जो वर्ड्स हैं ये क्या अनसर्टिनिटी या फिर प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं किसी भी इवेंट के होने की दो प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड विद गैम्बलिंग ये बात अलग है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या करती है गैम्बलिंग से स्टार्ट होती है बट नाउ इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन साइंस बायोलॉजिकल साइंस कॉमर्स वेदर फॉरकास्टिंग एक्सेट्रा लेकिन ये बात अलग है कि ये अब ज़्यादातर रूप पे ज़्यादातर तौर पे साइंस में बायोलॉजिकल साइंस में कॉमर्स में वेदर फॉरकास्टिंग में यूज होती है सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं तो एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट क्या होता है एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑब्जरवेश ऑपरेशन जो कि प्रोड्यूस करता है हमें क्या वेल डिफाइंड आउटकम्स को उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट सिक्के को उछालना या फिर डाइस को फेंकना ये क्या है एक एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अइन प्रोड्यूज अड और अ टेल वेल थ्रोइंग अ डाइस कैन प्रोड्यूज अ नंबर द नंबर्स फ्राम वन टू सिक्स अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड या टेल आता है और अगर हम डाइस को उछालते हैं तो उसमें वन नंबर्स आते हैं वन से लेकर सिक्स तक फिर नेक्स्ट क्या है इवेंट के इवेंट क्या होता है तो ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट जो आउटकम होता है प्रत्येक एक्सपेरिमेंट का उसको हम क्या बोलते हैं इवेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं इवेंट फॉर एग्जाम्पल गेटिंग अ टेल इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ कॉइन इज एन इवेंट और गेटिंग अ नंबर थ्री आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस इज एन इवेंट फॉर एग्जाम्पल के एग्जाम्पल के लिए क्या है कि अगर जो टेल आया है अगर हमने एक कॉइन को फेंका है तो वो एक इवेंट है या फिर हमें डाइस को फेंकने पर थ्री मिला है तो वो भी क्या है एक इवेंट है फिर नेक्स्ट आता है क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है तो एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस इस कॉल्ड अ रेंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें ऑल पॉसिब बहुत uh, सभी पॉसिबल आउटकम्स नोन होते हैं लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो हम पहले से प्रडिक्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं हम इसको रेंडम एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग क्वाइन इज अ रेंडम एक्सपेरिमेंट सिक्के को उछालना एक रेंडम एक्सपेरिमेंट होता है वी नो द आउटकम्स विल वी हैड और टेल हम जानते हैं कि जो आउटकम आएगा वो हेड या फिर टेल आएगा बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर द हेड विल कम अप और अ टेल लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हेड ऊपर आएगा या फिर टेल आएगा फिर क्या है नेक्स्ट ट्रायल ट्रायल क्या होता है तो बाय अ ट्रायल बी मींस परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ट्रायल के मतलब ट्रायल से हम क्या समझते हैं कि जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ट्रायल आउटकम तो द रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड एन आउटकम जो रिजल्ट होता है किसका ट्रायल का उसको हम क्या बोलते हैं आउटकम फॉर एग्जाम्पल वेन अ कॉइन इज टॉस्ड जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है वी आइदर गेट अ हेड और अ टेल तो हमें या तो हेड मिलता है या टेल मिलता है देयरफॉर तो हेड और टेल आर टू पॉसिबल आउटकम्स तो जो हेड और टेल हैं वो क्या है दो पॉसिबल आउटकम्स हैं ठीक है तो आप देखेंगे हम सम एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर आउटकम हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके जो आउटकम है वो इस तरीके से दिए गए हैं हमें एक्सपेरिमेंट क्या है टॉसिंग अ कॉइन अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो गेटिंग अ हेड दैट इज एच और गेटिंग अ टेल दैट इज टी तो हमें या तो हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है फिर टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली हम साइमल्टेनियसली दो कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है गेटिंग हेड ऑन ईच कॉइन दोनों हेड दोनों कॉइन पे हेड देखने को मिलता है गेटिंग हेड ऑन वन कॉइन एंड टेल ऑन अनादर या तो हमें एक हेड और एक टेल देखने को मिलता है जिसको हम एस है बोलते हैं या फिर गेटिंग अ टेल ऑन वन कॉइन एंड हेड ऑन अनादर या तो हमें एक पर टेल और दूसरे पेहर जिसको हम टी एच कहते हैं वो देखने को मिलता है गेटिंग टेल ऑन ईच कॉइन प्रत्येक कॉइन पर हमें क्या टेल देखने को मिलता है जिसको हम टी टी बोलते हैं थ्रोइंग अ डाइस डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या आता है गेटिंग एन ईवन नंबर अगर हमें ईवन नंबर मिलेगा तो कौन कौन से टू फोर और सिक्स मिलेंगे और अगर ऑड नंबर मिलेंगे तो क्या मिलेगा वन थ्री और फाइव फिर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो सपोज बी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मान लो कि हमने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और एन जो है वो क्या है टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ई इज़ डिफाइंड तो किसी भी इवेंट ई e की जो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो इस तरीके से डिफाइन की जाएगी पी ई -E. मतलब इसको क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स तो ये क्या होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अब नेक्स्ट क्या है रिमेंबर रखने वाली जो चीज़ें याद रखने वाली कुछ चीज़ें दी गई हैं हमें तो उनको देखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईवेंट लाई बिटवीन जीरो एंड वन जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो जीरो से वन के बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज़ वन किसी भी श्योर sure इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है वन प्रोबेबिलिटी कैन कैन नॉट बी नेगेटिव जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ज़ीरो और जो इम्पोसिबल इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है जीरो होती है अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो अ कॉइन इज़ टॉस वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल एक कॉइन को टॉस किया गया है तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमें बताना है तो इन आर टॉस इन टॉसिंग अ कॉइन पॉसिबल आउटकम्स आर एच एंड टी अगर हमने एक कॉइन टॉस किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या रहेगी आने की आउटकम पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे एच और टी तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए टू एक एच और एक टी कितने हो गए टू नंबर ऑफ़ टेल्स नंबर ऑफ़ टेल्स कितने हैं यहाँ वन है तो यहाँ ये आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब ये क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए वन ठीक है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या होता है पी पी ऑफ गेटिंग अ टेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं वन और टोटल कितने हैं टू तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी वन अपॉन टू फिर दिया गया है वैन टू कॉन्स कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली अगर दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है वॉट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या होंगे इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू कॉइंस वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अगर एक बार सिंगल थ्रो करने पे दो कॉइन को क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट वन टेल के इसके ऊपर उसमें एक एटलीस्ट वन टेल आए या फिर बोथ हेड आए ठीक है तो वेन टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली अगर हमने दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या हो, क्या होंगे हेड 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 टेल टेल हेड और टेल 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 ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए फोर अब गेटिंग एटलीस्ट वन टेल एट लीस्ट मतलब कम से कम एक टेल आना चाहिए तो देखो टेल यहाँ भी आया है यहाँ भी आया है यहाँ भी आया है तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे थ्री अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कितनी आ जाएगी थ्री अपॉन फोर फिर गेटिंग बोथ द हेड्स तो बोथ द हेड्स की सिर्फ एक ही पो है एक ही आउटकम है तो इसकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा वन अब गेटिंग बोथ हेड कितना हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी वन अपॉन फोर ठीक है इसी तरीके से हमें बाकी के क्वेश्चंस करने हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसी के साथ हम क्या करेंगे जो हमारी सेवनटीन पॉइंट टू एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो पूछ लेना थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू